श्रेया सिंह जी को बधाई दी, अच्छी बात है, पूरा बिहार गर्व करता है, लेकिन इंडिया को प्रेजेंट किया है अरबाज, उनको पौष्टिक आहार खाने तक के लिए नहीं है। मैंने वही अभी कहा है अरबाज के, हाँ ये जाएंगे, कहा मैं खुद जाऊंगा, अरबाज के लिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि हर परिस्थिति में अरबाज की मदद होनी चाहिए सरकार की तरफ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आज सुबह सुबह जाप सुप्रीमो पप्पू यादव बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से मिलने उनके सरकारी आवास पहुंचे। बता दें कि बिना पूर्व कोई सूचना दिए वो अचानक सुबह सुबह तारकिशोर प्रसाद से मिलने पहुंचे, जिसके बाद से उन दोनों की तस्वीरें भी सामने आ रही है। ऐसे में यह मीटिंग किस लिए रखी गई और अचानक से क्यों पप्पू यादव तारकिशोर प्रसाद के घर पहुंचे, आखिर उन दोनों के बीच बातचीत क्या हुई, आइए इस पूरे वीडियो में आपको पप्पू यादव के बयान के द्वारा सुनवाते हैं। एक्सिक्यूटिव इंजीनियर की भूमिका और लोगों की भूमिका में इसलिए इनको हमने उनके बच्चे को नौकरी के लिए आग्रह किया पर्सनली, और मेरे मामा के लड़के की शादी है कटिहार में, तो 7 तारीख को इनको निमंत्रण देने आए थे। और अरबाज सहरसा में अभी जोगंडा से गोल्ड में जीत के आया है, पहले सिल्वर और कास जीत के आया था, तो उनको सरकार ने बधाई नहीं दी, श्रेया सिंह जी को बधाई दी, अच्छी बात है, पूरा बिहार गर्व करता है, लेकिन इंडिया को प्रेजेंट किया है अरबाज, उनको पौष्टिक आहार खाने तक के लिए नहीं है। मैंने वही अभी कहा है अरबाज के, हाँ ये जाएंगे, कहा मैं खुद जाऊंगा, अरबाज के लिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि हर परिस्थिति में अरबाज की मदद होनी चाहिए सरकार के तरफ से, ताकि वो ओलंपिक खेल सके। बैडमिंटन में अभी गोल्ड जीत के आया है जो गंडा से है, सहरसा से है, तो यही रिक्वेस्ट था, यही मैं मिलने हूँ। कोई पॉलिटिकल बात तो नहीं सर? सर कौन चीज़ का पॉलिटिकल बातें होगी, मेरा पारिवारिक रिलेशन में है, रिश्तेदार हैं, हम लोग का ननिहाल एक है और हम लोग मामा भगना है, हम लोग एक फैमिली हैं, बाप दादा हम लोग का रिश्तेदार है। बता दें कि आज सुबह पप्पू यादव तारकिशोर प्रसाद के घर पहुंचे, जिसके बाद मुलाकात पूरी होने के बाद जब पप्पू यादव उनके सरकारी आवास से बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान यह कही कि वो कोई पॉलिटिकल व्यू से मिलने नहीं गए थे, वो अपने पर्सनल काम से गए थे। उन्होंने आगे बताया कि उनके मामा की बेटी की शादी है कटिहार में और इस शादी का निमंत्रण देने वो बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से मिलने पहुंचे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि अरबाज नाम का एक लड़का है जिसने भारत को रिप्रेजेंट करते हुए गोल्ड और कांस्य दोनों पदक जीते हैं। ऐसे में उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से यह अपील की है कि अरबाज को बिहार सरकार सम्मानित करे, उसके लिए हर संभव वो प्रयास किए जाए और हर संभव जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए जिसके वो हकदार है। साथ ही साथ पप्पू यादव ने यह भी कहा कि जब श्रेयसी को विधानसभा में बिहार सरकार ने इतने अच्छे तरीके से सम्मानित किया तो अरबाज को क्यों नहीं किया, आखिर अरबाज के लिए बिहार सरकार ने क्यों कोई कदम नहीं उठाया। ऐसे में पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने अपील की है कि बिहार सरकार अरबाज के लिए आगे कदम उठाए और उसे सम्मानित करे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि वो किसी पॉलिटिकल व्यू से नहीं गए थे, वो पर्सनल काम से गए थे और उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याएं भी तारकिशोर प्रसाद के सामने रखी। ये पूरी की पूरी मुलाकात उनके निजी कारणों के वजह से थी, ना ही कि कोई राजनीतिक वजह से। ऐसे में पप्पू यादव के मामा के बेटे की शादी कटिहार में होने वाली है और तारकिशोर प्रसाद का गृह जिला कटिहार ही है। ऐसे में उन्होंने कहा कि उन दोनों के बीच पारिवारिक संबंध है और इस पारिवारिक संबंध के नाते वो तारकिशोर प्रसाद से मिलने पहुंचे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, अन्य कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।